दोस्तों, अगर आप एग्रीकल्चर में दिलचस्पी रखते हैं और इसमें करियर बनाकर लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप एग्रीकल्चर में करियर कैसे बना सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि एग्रीकल्चर और रिलेटेड फील्ड में करियर ऑप्शन क्या है, आप इसकी शुरुआत कैसे कर सकते हैं, कहाँ से कोर्स करना है, कोर्स करने के बाद जॉब कैसे मिलती है और एवरेज सैलरी क्या होती है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। दोस्तों, अगर आप एग्रीकल्चर की फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो जरूरी है आपने इस फील्ड की पढ़ाई की हो। 12 साइंस स्ट्रीम से पास करने वाले कैंडिडेट बैचलर लेवल पर एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर या संबंधित किसी भी फील्ड में डिग्री लेना जरूरी है। शुरुआत में कैंडिडेट्स अपनी चॉइस के मुताबिक बीएससी इन फॉरेस्ट्री, बीएससी इन एनिमल हस्बेंड्री, बीएससी जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग और बीएससी इन सोइल एंड वाटर मैनेजमेंट जैसे कोर्स में एडमिशन लेकर कर सकते हैं। साथ ही यूजी, पीजी या रिसर्च लेवल, आप जिस भी लेवल पर पढ़ाई करना चाहते हैं उसे पूरा करने के बाद या साथ साथ किसी खास एरिया में स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं। कुछ एरिया जैसे क्रॉप साइंस, सोइल साइंस, एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन करके आप फ्यूचर के लिए बढ़िया रास्ता बना सकते हैं। पढ़ाई पूरी करने और स्पेशलाइजेशन करने के बाद अगला चरण आता है एक्सपीरियंस लेने का। बेहतर होगा कि किसी कंपनी में नौकरी करने से पहले एग्रीकल्चर एसोसिएशन या फॉर्म या रिसर्च स्टेशन पर जाकर कुछ दिनों तक इंटर्न या वॉलेंटियर के तौर पर काम करें और एक्सपीरियंस गेन करें। इसके अलावा आप कई एरिया में सर्टिफिकेट भी हासिल कर सकते हैं जिससे आपको आगे नौकरी मिलने में मदद मिलेगी। आप सर्टिफाइड क्रॉप एडवाइजर यानी कि CCA या फिर सर्टिफाइड एग्रीकल्चर कंसल्टेंट यानी कि CCA जैसे सर्टिफिकेट लेकर अपने CV को और मजबूत कर सकते हैं। इसके बाद आपको इनमें से किसी भी क्षेत्र में काम करने का मौका मिल सकता है, जैसे फॉर्म मैनेजमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एक्सटेंशन सर्विस, एग्रीकल्चर एजुकेशन पॉलिसी एंड एडवाइजरी या प्राइवेट इंडस्ट्रीज जैसे कोई सीड की कंपनी या फार्म इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर में काम कर सकते हैं। दोस्तों, एग्रीकल्चर में पढ़ाई पूरी करने के बाद जब करियर बनाने की बारी आती है तो आप एग्रोनॉमिस्ट, हॉर्टिकल्चरल थेरेपिस्ट, एग्रीकल्चर इंजीनियर, सस्टेनेबिलिटी स्पेशलाइज्ड, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट, फार्म मैनेजर, क्रॉप कंसल्टेंट और एग्रीकल्चर रिसर्चर जैसे पदों पर काम कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें इस फील्ड में काम करने पर मिलने वाली सैलरी की तो आपको बता दें कि आप किस संस्था के लिए काम कर रही हैं और किस पद पर काम कर रही हैं, आपकी लोकेशन क्या है और आपका एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन क्या है, इसके हिसाब से सैलरी मिलती है। यानी एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट को महीने के 30,000 से 70,000 रुपए सैलरी के रूप में मिलते हैं, हॉर्टिकल्चर थेरेपिस्ट को 20,000 से 50,000 तक, एग्रीकल्चर इंजीनियर को 30,000 से लेकर 1,00,000 तक सैलरी मिलती है। इसी तरीके से एग्रीकल्चर रिसर्चर पद पर सेलेक्ट होने पर भी सैलरी महीने के 1,00,000 रुपए तक अधिकतम पाई जा सकती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए वीडियो और एक नए विषय के साथ।